हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। और आज की जो हमारी ये क्लास है, ये एमपी सेट जिसका एग्ज़ाम 2023 में है और यूजीसी नेट जिसका परीक्षा मार्च में है और एम्स मेडिकल सोशल वर्क जिसका एग्ज़ाम मार्च लास्ट में या तो अप्रैल के शुरुआत में होगा और आरपीएससी जिसका एग्ज़ाम अगर हम बात करें 28 जनवरी। तो ये प्रश्न जो आज का मैंने लिया है सोशल वर्क का है, जो इन एग्ज़ामों में आ चुका है, ये प्रश्न इन सभी परीक्षाओं में आ चुका है और आगामी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सिलेबस में ये मेंशन भी किया गया है सीएसआर के बारे में, है ना। तो प्रश्न हमारे सामने पहला है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि सामाजिक जीवन की समस्याएं से गलत जवाब। जो सीएसआर होता है वो बेसिकली कंपनियों या संगठनों की सामाजिक और परिस्थितिकीकरण जिम्मेदारी की अनुमति की बात करता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर पहले का जो होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वह प्रश्न ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के दो अर्थ बनते हैं। सबसे पहले अर्थ के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, वह कॉर्पोरेशन के किसी भी सिद्धांत के लिए एक सामान्य नाम है, नियम जो पैसे बनाने की जिम्मेदारी और आसपास के समुदाय के साथ नैतिक रूप से बातचीत करने की जिम्मेदारी पर जब बल देता है तो पहला ये बताता है आपको सीएसआर। नियम सिंपल सा है, पैसे बनाने की जिम्मेदारी और समुदाय के साथ नैतिक रूप से बातचीत करने की जिम्मेदारी, ये दोनों जो हैं ये पहला एक टाइप बनता है सीएसआर का अर्थ में। दूसरे अगर बारे में बात करें, जो दूसरा अर्थ है वो बेसिकली सीएसआर समुदाय कल्याण के व्यापक सवालों में भूमिका निभाता है और लाभ के लिए उस जिम्मेदारी का एक विशिष्ट अवधारणा बनती है। देखिए, सामान्य नाम दूसरे पहले वाले में था, विशिष्ट नाम दूसरे टाइप में बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो अर्थ बनते हैं। पहले का अर्थ ये होता है समुदाय और साथ ही साथ नैतिक रूप से बातचीत पर। दूसरी बात बना कि समुदाय कल्याण को जो है उन कल्याण के व्यापक सवालों में भूमिका निभाते हुए लाभ की विशिष्ट जिम्मेदारियों पर बात करता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बता दूं कि इसके चार दायित्व हैं। नंबर एक अगर मैं आपसे बात करूं, परिस्थितिकी उत्तरदायित्व होता है, जिसको आप जिम्मेदारी भी कह सकते हैं। आप चाहो तो नोट करते रहो, पेपर में पूछा जा सकता है, परिस्थितिकी। और नंबर दो जो होता है कानूनी, नंबर तीन जो होता है सामाजिक उत्तरदायित्व, नंबर चार जो होता है परोपकारी। नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है, है ना। सीएसआर का सिद्धांत आप ध्यान रखेंगे, सीएसआर का जब भी आपसे सिद्धांत पूछेगा तो आपको बता दूँ सीएसआर के वर्तमान में तीन ही सिद्धांत वर्णित किए गए हैं। नंबर एक आप नोट कर लीजिएगा, ये भी पेपर यूजीसी में पूछा जा चुका है, सीएसआर का हितधारक सिद्धांत, सीएसआर का हितधारक सिद्धांत जिसको स्टॉक होल्डर कहते हैं। नंबर दो होगा व्यावसायिक नैतिकता का सिद्धांत, व्यावसायिक नैतिकता का सिद्धांत। नंबर तीन होगा हितधारक मान का सिद्धांत, हितधारक मान का सिद्धांत। ये आप ध्यान रखेंगे, तीन टाइप का सिद्धांत होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें सेकंड, डैश खरीदार की अपेक्षाओं के सापेक्ष मूल्य प्रदान करने में उत्पाद के कथित प्रदर्शन पर निर्भर करती है। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या ग्राहक संतुष्टि, उत्पादन की गुणवत्ता, क्या ग्राहकों की प्रति वफादारी या उत्पाद ब्रांडिंग। मैं आपको बता दूं, यहां सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्राहक संतुष्टि। ग्राहक संतुष्टि एक विपणन शब्द है, एक ध्यान रखिएगा विपणन शब्द है, जो मापता है कि किसी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद या सेवा ग्राहक की अपेक्षाओं को कैसे पूरा कर सकती है या उससे आगे कैसे निकल जाती है। तो यहां महत्वपूर्ण ये चीजें हैं
कि विक्रेता और व्यापार मालिकों को एक मति प्रदान करता है और इसका उपयोग जो है अपने व्यवसायों को प्रतिबंधित करना है ना, और सुधारने पर बल देना, ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए एक संगठन के लिए नियमित रूप से ग्राहकों के साथ पारस्परिक प्रभाव और संवाद करना। पारस्परिक प्रभाव और संचार में सभी व्यक्तिगत ग्राहकों की जरूरतों को सीखना और निर्धारित करना है ना। तो ये आप ध्यान के एक फार्मूला है ग्राहक संतुष्टि का, ग्राहक संतुष्टि का एक फार्मूला है। ग्राहक संतुष्टि संतुष्टि इज इक्वल प्रदर्शन माइनस अपेक्षा माइनस अपेक्षा। ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन आपका पहले ही सही जाएगा। संतुष्टि का स्तर जितना अधिक होगा, उत्पाद में विशिष्टता, ब्रांड, आपूर्तिकर्ता के साथ ग्राहकों का भावनात्मक लगाव उतना ही अधिक होगा, है कि नहीं। यह एक मजबूत और स्वस्थ ग्राहक आपूर्तिकर्ता संबंध बनाने में मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर टू के बारे में के बाद हम लोग थ्री पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने कि आपसे कह रहा है कि एक कॉरपोरेट कंपनी धर्मार्थ संस्थाओं को दान देने और कर्मचारियों और उनके परिवारों के मनोरंजन के लिए सुविधाओं का निर्माण करना, कला को बढ़ावा देना, शैक्षिक संस्थानों का सहयोग करना, ऐसी ही अन्य गतिविधियां करती हैं और इस आयाम को CSR में डैश के रूप में जाना जाता है। सही बताऊं मैं आपको, परोपकारी उत्तरदायित्व की जो मैंने अभी सिद्धांत बताया वही सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी है ना। CSR में जो है परोपकारी उत्तरदायित्व के रूप में जाना जाता है। CSR क्या है? कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत तो उन कार्यों को किया जाता है जो समाज और पर्यावरण को लाभान्वित करे। बस समझ रहे हैं ना, परोपकारी उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि स्वैच्छिक जिम्मेदारियां। परोपकारी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए किसी कंपनी को कानूनी तौर पर बाध्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा करने के लिए उससे अनुरोध भी नहीं किया जा सकता है कि नहीं। परोपकारी उत्तरदायित्व उद्यम और समाज के बीच जो सामाजिक समझौते होते हैं उसका एक हिस्सा बन जाता है। तो वस्तुएं और सेवाओं को आप दान, स्वयं सेवा गतिविधि, कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए मनोरंजन की सुविधाओं का निर्माण परोपकारी उत्तरदायित्व का उदाहरण माना जाता है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने थर्ड था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे सामने क्या बता रहा है देखिए, ये शायद क्वेश्चन नंबर थर्ड के रूप जो है उसी का एक प्रकार से अगर हम बात करें तो सी आयाम के रूप में है ना। हाँ, धर्मांत रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ वाला। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड है, ग्राहक की संतुष्टि है ना। मैंने यहाँ पे दो ही तीन क्वेश्चंस लिए हैं यानी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सोशल वर्क के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी इसके बारे में अगर आपको लोग कोई डाउट लग रहा है CSR के बारे में, मुझे क्लास ले आनी चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए जो है एक क्लास यहाँ पे ला के कर दूंगा। ध्यान रखिएगा जो CSR होता है ना उसमें शामिल क्या क्या चीज़ें होती हैं। CSR में ध्यान से सुन लीजिए, एक चीज़ तो व्यावसायिक स्वैच्छिक क्रिया भी शामिल रहेगी, व्यावसायिक और स्वैच्छिक क्रिया भी, और एक होता है दायित्व के साथ शक्ति का संतुलन भी, शक्ति का संतुलन भी, और उसके बाद एक होता है नैतिक दायित्व की मान्यता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको शामिल किया गया है। देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व एक व्यवसायिक की सामाजिक जिम्मेदारी या दायित्व है और जिम्मेदारियां हैं जिससे कि इसे संपूर्ण रूप से पर्यावरण और समाज के लिए पूरा करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सामाजिक उत्तरदायित्व में एक व्यवसायिक के सभी विचार विमर्श करके किए गए कार्य समाज और पर्यावरण के प्रति उसकी जिम्मेदारियां और उसके नैतिक उत्तरदायित्व या दायित्व शामिल किए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आपने नाम सुना होगा एक, नॉट जस्ट अ पीस। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी ये पेपर में प्रश्न बन सकता है। ऑफ क्लॉथ, ऑफ क्लॉथ ये पेपर में पूछा जा सकता है। नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ अभियान किस NGO के द्वारा शुरू किया गया था? एक NGO है गूंज, है ना। कौन सी NGO है? गूंज। पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है आपको CSR से, नोट करिएगा। गूंज
तो जो नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ है, ये 2004 का सुनामी के जवाब में गूंज द्वारा लॉन्च किया गया था। और गूंज एक एनजीओ है जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना सन 1999 में हुई थी। 1999, देखो 2004 में सुनामी के जवाब में गूंज द्वारा लॉन्च किया गया था, बट ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अंशु गुप्ता नाम था उनका। क्या नाम था? अंशु गुप्ता नाम था। अंशु गुप्ता नाम था, याद करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो था एनजीओ, कपड़ों का मूल रूप से ध्यान देता था ये कपड़ों पर। तो क्लॉथ फॉर वर्क, CFW बोलते हैं, क्लॉथ फॉर वेल्थ कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था, जो सड़कों और कुओं और स्कूलों पर केंद्रित था। ये तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण करता गूंज एनजीओ की एक अहम भूमिका थी। नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ, ये लॉन्च 2004 में हुआ है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और कौन सी एनजीओ ने किया है? गूंज ने किया है। गूंज की स्थापना कब हुई है? तो 1999 में हुई है, 1999 में, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की बात अगर जब कभी आप लोगों से बोले, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ जो ऑक्सीफैम का मुख्यालय पूछता है, तो ऑक्सीफैम का जो मुख्यालय है वो केन्या में है ना, नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को बता देता हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ, ठीक है, ऑक्सफैम, ठीक है, का मुख्यालय मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या में है, ठीक है। ये भी CSR का ही पार्ट बनता है। तो इसकी स्थापना अगर हम बात करें, तो ये भी ऑक्सीफैम या ऑक्सफोर्ड कमेटी है, जो है फायराइन रिलीफ के लिए है। और सन 1942 में ग्रेट ब्रिटेन में इसको स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय बनाया गया केन्या में बनाया गया है, नरोबी केन्या में। और ये वैश्विक गरीबी के उन्मूलन पर, ये जो है 20 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक संघ है। तो 20 स्वतंत्र मतलब एनजीओ जो संगठन है उनका एक स्वतंत्र है ये संगठन माना जाता है, संघ माना जाता है। ये काम लैंगिक शिक्षा, समानता आदि के क्षेत्र में काम करती है, ध्यान रखिएगा। बिहार में अकाल से लड़ने के लिए सन 1991 में, 1951 में भारत का संचालन जो है शुरू किया गया था, ठीक है। और 1965 में बिहार की मदद की जब राज्य में सूखा पड़ गया था, ठीक है। तो इसका प्रधान कार्यालय, इस जो प्रधान कार्यालय जो है वो दिल्ली में है। प्रधान कार्यालय की बात करें तो वो दिल्ली में है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये आप लोगों के लिए, ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी है, पुणे में है, ये जानते हैं आप लोग। 1905 में गठन किया था और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, है ना। उनका एक अखबार प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले का अखबार का नाम था हितवाद अखबार था, हितवाद, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे उसके बारे में सभी लोग, है ना। और एक चीज़ और था कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 है ना, एनजीओ है। और समाज, इसमें जो विज्ञापन, जो ज्ञापन होता है उसमें शामिल क्या क्या होता है? समाज का नाम, उसका उद्देश्य, नाम, पता, व्यवसाय की, व्यवसाय सदस्यों का व्यवसाय, ये पता, इस सारी चीज़ें जो है पता है, मतलब की जाती है। एनजीओ विकास का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? एनजीओ विकास का दूसरा चरण, एनजीओ का जब विकास हो रहा था तो उसका दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? एनजीओ का विकास, एनजीओ का विकास का दूसरा चरण, का दूसरा चरण, तो मैं आपको बता दूं सन, इसको अगर जब आपसे पेपर पूछा जाए तो सन 1960 से दूसरा चरण। पहला तो 1860 वाला आ गया था। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य को पूरा करने के लिए सरकारी कार्यक्रम पर्याप्त नहीं थे उस समय, तो कई समूह द्वारा बनाए गए थे जिसमें भूमिका जमीनी स्तर पर काम कर रही थी। तो भारत में ग्रामीण विकास में जो एनजीओ थी उसकी भूमिका बढ़ी थी 1960, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो इसमें आपको बता दो, 7 लोग होते हैं, है ना, आपको तो पता होना चाहिए एनजीओ में, 1860 वाले में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1860 में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट है वो, ठीक है। एक सती विश्वनाथन थे, वेंकटेश्वर श्री नबन एनजीओ के संस्थापक हैं। और ये एक ई विद्यालोक एनजीओ है, जैसे गूंज थी वो भी ई विद्यालोक एनजीओ भी प्रश्न बनता है, इससे भी पूछा जाता है, ई विद्यालोक से भी, है ना। तो ई विद्यालोक जो एनजीओ है वो सतीश विश्वनाथन और वेंकेट रमन ने किया था,
है ना, तो ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में हुई थी, है ना, 2011 में हुई थी, ठीक है। बेंगलोर में इसका मुख्यालय है ना, याद रखेंगे सभी लोग, ग्रामीण क्षेत्र पर काम करती है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं, और इम्पोर्टेंट है सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो, एग्ज़ाम में आप लोगों से देखने को मिल सकते हैं, ऐसे परीक्षाओं में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर तो आप मुझे जो है कमेंट भी कर सकते हैं, और इसके बारे में अधिक जानकारी भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, या MP सेट की तैयारी कर रहे हैं, या एम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 से। ध्यान रहे, लेकिन सोशल वर्क से, जो समाज कार्य से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, वही लोग संपर्क करें।